हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर। तो ऐसे टेस्टी मटर पनीर के लिए मैंने लिया है 1/2 kg मटर। ये फ्रेश मटर है, आप चाहो तो फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये है 250 ग्राम पनीर, प्याज, 4 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, लहसुन, हरी मिर्च। और ये है ग्रेवी बनाने के लिए, इसमें मैं डाल रही हूँ मगज, इसे मेलन सीड्स भी कहते हैं, आप चाहो तो काजू भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कुछ खड़े मसाले हैं और सूखे मसालों में जीरा, नमक, कस्तूरी मेथी, हल्दी, मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर है। और ये है फ्रेश क्रीम जो दूध के ऊपर से निकलता है, और तेल। सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन, उसमें मैंने अभी 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल डाल के इसमें मैं कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। प्याज डाल के इसे हमें सुनहरा होते तक भुनना है, तब तक जब तक कि प्याज अच्छे से भुन नहीं जाता है। उसके पहले मैंने इसमें डाले हैं लहसुन और अदरक डालकर अभी मैं इसे सुनहरा होते तक भुनूंगी मीडियम हाई फ्लेम पर। भुनकर अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा भुन गया, मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। ये सब्जी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। नमक डाल के मैं इसको थोड़ा सा और भून रही हूँ। भून कर अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मगज, इसे खरबूजे के बीज या मेलन सीड्स भी कहते हैं। ये अराउंड 1/4 कटोरी है। अगर ये नहीं है तो आप काजू का भी यूज़ कर सकते हो या फिर मूँगफली भी आधी कटोरी डाल सकते हो। अभी इसको डाल के मैं अच्छे से भून रही हूँ। थोड़ा सा भून कर उसके बाद मैं इसे ढक कर धीमी आंच पर तब तक पकाऊंगी जब तक कि टमाटर पूरी तरीके से गल नहीं जाते हैं। ये सब्जी हम लोग रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। अभी ये अच्छे से गल गया है, इसे पकने में 4 मिनट का टाइम लगा। मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर ही इसे पकाया है। अब आप चेक कर लेना टमाटर अच्छे से गल गए कि नहीं। टमाटर काफ़ी अच्छे से गल गए हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब ये ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद इसे मैं मिक्सी के जार में डालकर एकदम इसका फाइन पेस्ट बना रही हूँ। आप चाहो तो प्याज और टमाटर को बिना भुने उसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हो, पर इस तरीके से भून के उसका पेस्ट बनाने से ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी रहेगी। अभी मैंने एक और पैन रखा है, उसमें मैंने डाला है अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल, आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। उसके बाद खड़े मसाले डाले हैं और 1 तेज़पत्ता। खड़े मसाले में मैंने 2 इलायची, 3 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा यूज़ किया है। उसके बाद मैंने डाला है 1/2 टीस्पून जीरा, आप चाहो तो खड़े मसाले स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद ग्राइंड किया हुआ पेस्ट इसमें मैं डाल रही हूँ। पेस्ट डालकर इसको अभी हम लोग अच्छे से भुनेंगे। जो मिक्सी के जार में लगा हुआ है उसको भी मैं डाल रही हूँ। डाल के अभी इसको मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे। इसको हम लोग जितना अच्छे से भुनेंगे सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा रहेगा। अभी मैंने इसको काफ़ी अच्छे से भुन लिया है। आप देख सकते हैं मसाला पैन भी छोड़ रहा है, मतलब मसाला भुन के रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कस्तूरी मेथी, आधा हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हमने हरी मिर्च भी डाला है, तो आप मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अभी मैंने इसको और अच्छे से भुन लिया है। भून कर अभी मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश मटर, आप चाहो तो फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हो। फ्रोज़न मटर अगर यूज़ करोगे तो उसको यूज़ करने से पहले गर्म पानी में डालकर यूज़ करना। यहाँ पे मैं जो पनीर यूज़ कर रही हूँ वो भी फ्रेश है, तुरंत बना हुआ है, तो मैं उनको फ्राई करके नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो पहले पनीर को फ्राई करके डाल सकते हो। अभी मैंने इसमें डाला है नमक। नमक डालने से मटर जल्दी पक जाएगा। नमक डालकर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके ढक के 2-3 मिनट तक की धीमी आंच पर पकाऊंगी। धीमी आंच पर पकाने से मटर बहुत अच्छे से पक जाएंगे। 2-3 मिनट बाद मटर काफ़ी अच्छे से पक गया है। मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अभी मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम, ये जो दूध के ऊपर से मलाई निकालते हैं वो वाला क्रीम है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट मलाई डालने से सब्जी में एक क्रीमी टेक्सचर आएगा और टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। ये सब्जी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल इसका टेस्ट वैसा ही है।
आप इसे रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ खाओ, सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी मैं यहाँ पे अराउंड एक ग्लास यूज़ कर रही हूँ। आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी डालना, बट ये सब्ज़ी ना ही बहुत ज़्यादा पतली अच्छी लगती है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी, इसका कंसिस्टेंसी मीडियम रहने से ही टेस्ट अच्छा लगता है। अभी मैं सब्जी को अच्छे से मिक्स करके 3 मिनट तक पकने दे रही हूँ हाई फ्लेम पे। 3 मिनट बाद सब्जी थोड़ी सी पक गई है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश पनीर। पनीर फ्रेश है इसलिए मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। अगर आप मार्केट से खरीदा हुआ पनीर यूज़ कर रहे हो तो आप उसे फ्राई करके डालना, या डालने से पहले थोड़ी देर गर्म पानी में डाल के रखना, उसके बाद यूज़ करना। ये घर का पनीर है और फ्रेश पनीर है इसलिए मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। अभी अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के 3-4 मिनट तक मैं मीडियम हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख दूंगी, या तब तक जब तक कि मटर अच्छे से पक नहीं जाता है। 3 मिनट बाद सब्जी काफ़ी अच्छे से पक गया है। ये फ्रेश मटर है इससे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर फ्रोज़न मटर रहता तो अभी तक पक जाता। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करके अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी क्रश करके। मैंने 1/2 टीस्पून पहले यूज़ किया था, 1/2 टीस्पून अभी डाल रही हूँ। कस्तूरी मेथी डालकर 1 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला लास्ट में ही डालना है, और गरम मसाला डाल के मिक्स करके ढक कर अगर हम लोग 1 मिनट तक पकने देते हैं तो सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करके मैं इसे ढक रही हूँ। ढक के कवर करके मैं 1 मिनट तक पकने दूंगी। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनती है, और स्पेशली ये बच्चे ही नहीं बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है। अब आप देख सकते हैं सब्जी काफ़ी अच्छे से पक गई है, साइड से तेल भी छूट रहा है, और हमारा बहुत ही यम्मी मटर पनीर बनके रेडी है। ऊपर से मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हरा धनिया। डाल के मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही यम्मी मटर पनीर बनके रेडी है। अब आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।